मिस्टर आईपीएल चिन्ना थला चेन्नई सुपर किंग्स यानी सुरेश रैना, ये तीनों ही नाम एक इमोशन है भारतीय जनता के लिए। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने नहीं लिया? क्या ये जो बड़ा विवाद बन गया है 2 साल पुराना है, जो कि एकदम से सामने आ रहा है और बड़ी वजह बताई जा रही है कि सुरेश रैना को नहीं लेने की तैयारी शायद कुछ वक्त पहले ही शुरू हो गई थी। बताएंगे आपको क्या है पूरी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं कि सुरेश रैना को लेकर जो बड़ा विवाद सामने आ रहा है, क्यों नहीं सीएसके की टीम ने उन्हें लिया, क्या क्या वजहें ऐसी रही, इसको लेकर बड़ा खुलासा न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डोल ने किया है, जो कि फिलहाल कमेंट्री करते हुए आपको नजर आते हैं। उनका कहना है कि धोनी का जो भरोसा है ना, वो सुरेश रैना ने तोड़ा था। देखिए 2020 का जो आईपीएल रहा, जहाँ पे यूएई में आईपीएल कंडक्ट किया जाता है, और एक विवाद सामने आया था सुरेश रैना को लेके, जहाँ पे जिस होटल में वो रह रहे थे उस कमरे को लेके वो खुश नहीं थे, और उसी को लेके मैनेजमेंट को उन्होंने ज़रूर ये बात बोली थी कि आप मुझे दूसरा रूम अलॉट कर दीजिए, जिसके बाद शायद कुछ ना कुछ तकरार भी सामने आई थी। आप ये कह सकते हैं कि रैना का जो व्यवहार था उसको लेके टीम के जो हेड हैं एन श्रीनिवासन, वो भी काफ़ी हद तक नाराज थे, और सुरेश रैना भारत में वापसी भी कर लेते हैं उस पूरे विवाद के बाद। कहीं ना कहीं क्या ये एक एक ऐसा विवाद था जो कि अब 2022 में आग पकड़ लेता है, ऐसा ही कुछ कहना है साइमन डोल का, जहां पे धोनी का विश्वास कह लीजिए आप, जो भरोसा रैना के प्रति था, वो कहीं ना कहीं उसमें दरार आ गई, उसमें एक हलचल सी मच गई आप ये कह सकते हैं, क्योंकि धोनी और रैना एक दोस्ती की मिसाल आप कह लीजिए, जय गुरु की जोड़ी आप कह लीजिए, इंडियन क्रिकेट में देखने को मिलती थी। 15 अगस्त 2020 को धोनी जो है संन्यास लेते हैं, उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुरेश रैना की तरफ से भी एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्या ये जो खटास थी वो 2020 सीजन से देखने को मिल गई थी, जहाँ पे 11 करोड़ उस वक्त जो है आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू थी सुरेश रैना की सीएसके की टीम में, अगर हम उनकी प्राइस की बात करते हैं जिनमें उनको रिटेन किया जा रहा था। तो क्या ये कुछ बड़े पहलू थे जो कि 2022 में आके जब आपको बड़ी टीम चुननी है, एक विजन के साथ आपको चलना है, आपको अगले 10 साल की टीम बनानी है, क्या उस स्कीम ऑफ थिंग्स में सुरेश रैना फिट बैठते थे या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 37 साल के तो ड्वेन ब्रावो भी हैं, वो फिर आपके कैसे स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठ गए, क्योंकि रैना के पीछे तो चेन्नई गया भी नहीं, ब्रावो के पीछे पूरी तरीके से चेन्नई भाग रहा था। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो कि शायद आगे चल के महेंद्र सिंह धोनी ज़रूर इसका जवाब दे पाएंगे। आप लोग भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को क्या मानना है, किस प्रकार आप इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को देखते हैं, क्या सुरेश रैना वापसी कर पाएंगे आने वाले सालों में क्रिकेट में, आईपीएल में, इसको लेके जरूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।